नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं जिनका नाम पुनिया है और साथ ही साथ में इनकी पत्नी, इनका परिवार है। 6 लड़कियां हैं, एक लड़का है और साथ ही साथ में इनके घर का जो जमाई है वो भी यहीं रहते थे, ऐसा इनका कहना है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि यहाँ पर आग लग गई थी और इस आग को देख कर आए हुए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जिसके बारे में आपने पहले की वीडियो में देखा होगा या सुना होगा, अगर नहीं देखा है तो आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप देख सकते हैं इनके परिवार में इतने लोग हैं, अब इनके घर में जितना अनाज था वो पूरी तरह जल के राख हो गया है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? और साथ ही साथ में इनके पैसे थे, घर जल गया है तो सब कुछ अंदर ही था। और साथ ही साथ में एक लड़का जो कि अंदर था वो भी जलने वाला था, लेकिन उसको उठाया गया, उसको बाहर लाने की कोशिश की गई, घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो देखने वाले जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मैं बता दूं कि ये जो घटना है वो दोपहर 1 बजे उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के बाखेल पंचायत के जांजर गाँव में हुई है। यहाँ पर निवासी है पुनिया भोयला और इनके परिवार में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो सारे हैं। और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा कि जो भी इस बाखेल पंचायत के सरपंच है, वार्ड पंच है, गांव के, इसके अलावा जो भी एसडीएम है या फिर तहसीलदार है, बीडीओ है, वो भी यहां पर आकर देख के जाए और इन्हें जो मुआवजा, इनका जो नुकसान हुआ है जो मिल सकता है वो देने की कोशिश करे, क्योंकि इनके जितने कागजात थे, जितना अनाज था, जो भी सामान था, वो सारा जल के राख हो गया है। तो मैं पूछना चाहूंगा पुनिया भोयला, थे मैं हूँ कौन कह रहो? खेती बाड़ी कह रहो तो थे मार कह रहा हूँ तो हो लाख रुपया। अच्छा ते थे मार को एबार वीवा भी जो तो होगे कौन अन वीवा तो हो? अच्छा ते थे मार सेमन हारो ला विलो तो हो ते वो हारो हेल गिगी हो? अच्छा, तो दोस्तों परिवार का ये कहना है कि करीबन 3 बच्चों की इनकी शादी करवाने वाले थे और साथ ही साथ में कपास की खेती के जो पैसे आए हुए थे करीबन 1 लाख रुपए, वो भी अंदर जल के राख हो गए, ऐसा इनका कहना है। अभी कितना सच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इतने सारे परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो शायद सच ही होगा। और नुकसान जो हुआ है वो साफ वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि इन्हें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।